आज हमारे बीच गेस्ट के रूप में आई हुई है प्रियंका रानी गुप्ता जी, जिन्होंने हाल ही में 2020 CGPSC में 16 स्थान प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई है। आइए हम जानते हैं इनके बारे में कि इन्होंने इस कठिन से कठिन परीक्षाओं जो सफलता प्राप्त की है उसका श्रेय किसे देना चाहते हैं, कैसे तैयारी की है, जानते हैं प्रियंका रानी गुप्ता जी से। बैठ। जी मैडम, जैसे कि लोगों का एक डर सा बना हुआ रहता है कि इतना बड़ा एग्जाम और इतने आसानी से आपने इस एग्जाम में सफलता प्राप्त की है, और जैसे आप सभी को मालूम होगा कि मैडम जी का 2020 के साथ साथ 2019 में भी CGPSC में चयनित हुई थी और इतनी बड़ी सफलता एक के बाद एक, आपको कब से ये सफलता मिल रही है और कैसे आप इस सफलता प्राप्त की है? ये कैसे पहुंची इस सफलता तक आपने? देखिए आसान तो नहीं था। 2019 और 20 का रिजल्ट एक या डेढ़ महीने के अंदर अंदर आया, तो दोनों में मैं सिलेक्शन हुआ था। 2019 में 100th रैंक था, अभी 16th रैंक आया है। 2020 का आइटम मेरा अच्छा नहीं हुआ था, और जैसे कि 75 मार्क्स मिले मुझे, तो मैं काफ़ी एग्जाम के बाद इंटरव्यू के बाद तो हो गई थी, लेकिन मेन्स के बाद मेरा कॉन्फिडेंस था कि क्लास की पोस्ट मुझे मिल जाएगी। इंटरव्यू वाले दिन मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि पापा की एक्चुअली तबियत खराब थी, घर पे पापा हॉस्पिटल में थे, तो ऐसा था कि ठीक है आ जाए देखते हैं। 2019 में मुझे पोस्ट मिल गई थी, तो ऐसा था कि देखते हैं क्लास रूम की पोस्ट आ जानी चाहिए। मैंने डिप्टी कलेक्टर लेके नहीं सोचा था, ये बहुत मैजिक जैसा लगा कि वाह हो गया। तो सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा, किसने आपको बताया कि आपका जो चयन है डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पर हो गया है और आपका रैंक 16 है? रिजल्ट तो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि रात के 8 बजे तक रिजल्ट आ गई थी, तो मैं बहुत वेट कर रही थी, पर देख लेते कि कब आएगा कब आएगा, तो वो थोड़ा डिले हो रहा था आ नहीं था रिजल्ट। तो बीच में मैं कुछ पानी वानी के लिए शायद चली गई थी घर पे थी, तो उसके बाद जो उसके जो ग्रुप बना था ना व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उस पर सब डिस्कशन कर रहे थे कि रिजल्ट आने वाला है। तो उन्हीं में एक सर ने मैसेज किया, ग्रुप में ही मैंने मैसेज किया कि मैडम 16th रैंक है, तो मुझे बिल्कुल हुआ नहीं था एक्चुअली, फोन आने चालू हो गए थे तब तक। तो फिर फोन पे मुझे पता चला कि आ गया, उसके बाद मैंने देखा अपना रिजल्ट कि हाँ एक्चुअली 16 है। और अच्छी बात ये थी कि इस बार रैंक के साथ साथ जो पोस्ट का अलॉटमेंट है वो भी आ गया था जी, तो डिप्टी कलेक्टर वही से तुरंत इन्फॉर्म हो गया, तो मैं बहुत बहुत खुश थी। मैडम जैसे कि कहते हैं कि इस सफलता के पीछे किसी न किसी का बहुत बड़ा हाथ रहता है, तो आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सफलता के श्रेय तो सबसे पहले फैमिली को, घर में दादा दादी हैं मेरे, पापा मम्मी छोटा भाई है, सबने बहुत सपोर्ट किया है। पापा ने हमेशा मुझे पढ़ने के लिए इनकरेज किया है और मोटिवेशन का सारा कुछ देना और गाइडेंस करना, और उसके साथ साथ टीचर्स का रोल रहा है जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, और एक मेंटर के रूप में, एक गाइडेंस के रूप में। उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था जर्नी को सस्टेन करने में, वो था मेरे दोस्तों का, एक दो फ्रेंड जो काफ़ी क्लोज और हमेशा हेल्प के लिए तैयार, पढ़ाई हो चाहे फिर बाकी जितनी भी चीज़ें हो सब में साथ देने के साथ, एक जो जर्नी थी उसको बहुत अच्छा बनाने में दोस्तों का योगदान बहुत ज़्यादा था। तो ये सबको जाता है श्रेय, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, सबको। जी जी मैडम, क्योंकि देखा जाता है कि सफलता के पीछे मम्मी पापा पेरेंट्स और दोस्तों का जब तक सहयोग नहीं रहेगा तब तक हम उस सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक हमें सफलता प्राप्त करना है। मैडम हमारे जो आने वाले जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उसको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि इस कठिन से कठिन परीक्षाओं को सफल होने के लिए उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? देखिए
ऐसी, क्योंकि बहुत सारे लोग आप जिनसे पूछेंगे बहुत प्राउड है इस एग्जाम को लेके, तो आप बिना खुद को जाने से एग्जाम में मत आइए, एग्जाम का नेचर जानिए। और एक बार आप इधर आ जाते हैं तो खुद को जानने के साथ साथ आप खुद के प्रति ईमानदार रहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी ने फोर्सफुली भेज दिया है या आप भी क्राउड देख के इधर आ गए हैं और आप बस पढ़ रहे हैं, इससे नहीं होता है। खुद के प्रति ईमानदार होकर मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को दिखाने के लिए कुछ मत करिए, जो कर रहे हैं खुद के लिए करिए, उसके बाद भगवान के साथ देता है। मुझे लगता है जो मेहनत करता है उसके साथ भगवान कभी नहीं छोड़ता, तो फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मैडम आपने बताया कि आपकी जो स्कूली शिक्षा है वो नवोदय से हुई है, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको नवोदय के बारे में जानकारी नहीं, तो आपको किस क्लास में नवोदय के बारे में जानकारी? क्लास तो ऐसा था कि पापा को पता था नवोदय के बारे में, जैसे एक मेरे मामा भी नवोदय से पढ़े हुए हैं तो नवोदय का आइडिया पहले से ही था। तो क्लास फोर से मुझे याद है ऐसा ट्यूशन या कोचिंग तो मैंने कुछ किया नहीं था, सेल्फ स्टडी की था, पापा हेल्प कर रहे थे पढ़ाने में। एक बुक थी उपकार की, शायद आई गेस में जो याद था पर उपकार की बुक थी, वही बुक मैं सॉल्व करती थी और उसके बाद से सिलेक्शन हो गया, मैं खुद ही पढ़ी थी उससे। तो आपके जो जीवन का जो जर्नी है वो नवोदय कंपटीशन एग्जाम से ही आपने स्टार्ट कर दिए रहे होंगे? एक्चुअली ऐसा हुआ था, जैसे गांव में नवोदय में सिलेक्ट होना बड़ी बात थी, मतलब लोग अचीवमेंट के रूप में देख रहे थे देर है पढ़ने में, तो हाँ वो एक माइलस्टोन था नवोदय जाना, वहाँ से पूरी लाइफ जर्नी चेंज हो गई एक्चुअली, और जो भी हुआ सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ वहाँ से वहाँ जाने के बाद, तो हाँ वो था टर्निंग पॉइंट था नवोदय में सिलेक्ट होना। आज जैसे कि सभी पेरेंट्स का एक ड्रीम रहता है कि मेरे बच्चे नवोदय और सैनिक स्कूल जैसे बड़ी संस्था में एजुकेशन प्राप्त करें, तो क्या मैडम आप बता सकते हैं आपने नवोदय में पढ़ाई किए हैं, अपना स्कूली शिक्षा कंप्लीट किए हैं, तो एक नवोदय और एक सामान्य स्कूल में क्या डिफरेंस रहता है, आपको क्या नजर आया है? क्योंकि आपने क्लास वन से फिफ्थ तक एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया है और क्लास सिक्स से ट्वेल्व तक आपने नवोदय में पढ़ाया, तो एक बहुत बड़ा अंतर आपको नजर आया होगा। हाँ सबसे पहली बात तो जो अवेयरनेस की आपने की कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े अच्छे स्कूल में, और स्कूल सारे अच्छे हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा नवोदय या फिर जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल अपन देखते हैं, जैसे सैनिक स्कूल हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया और जितने भी बाकी स्कूल हैं उनको अच्छा बोला जाता है। हाँ जैसे कि डिफरेंस मुझे ज़्यादा इसलिए पता है दोनों के बीच में, क्योंकि क्लास तक मैं गवर्नमेंट स्कूल जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल थी उसमें थी, नवोदय एक सेंट्रल स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है, वहाँ पे कंपटीशन क्योंकि वो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही स्कूल होता है, तो वहाँ पे जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में पूरे रूरल और अर्बन का जो रेशियो होता है वहाँ पे, मतलब एक कंपटीशन एग्जाम से निकालना, तो वो फिल्टर्ड बच्चे ही जाते हैं वहाँ पे जो तेज है पढ़ने में, शुरू से ही पहले से ही काफ़ी जो अच्छा कर रहे हैं, तो एक ऐसा होता है कि कॉम्पिटिशन का माहौल आप अच्छे अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं एक्चुअली वहाँ पे सब लोग, क्योंकि वो फिल्टर होकर ऑलरेडी आए हुए हैं, तो ऐसा है कि आप अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं पढ़ रहे हैं और एजुकेशन का जो क्वालिटी है लेवल है वो भी बहुत काफ़ी सही है बाकी जगहों से, इसलिए मुझे लगता है कि वो कंपेयर अगर किया जाए तो वो क्यों अच्छा है, सारे पॉइंट्स को अच्छा परफॉर्मेंस देता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने यहाँ नवोदय के बारे में बताया। क्या नवोदय में आपको क्या, जैसे कि आप अभी डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं और आगे आपको आपकी इस जॉब में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो क्या ऐसा कोई सिचुएशन आया था नवोदय में या ऐसा आपको कुछ लीडिंग का अपॉर्चुनिटी मिला हो, जैसे कि क्लास कैप्टन का या फिर स्कूल कैप्टन का, जो आज आपको वो अनुभव देखने को कहीं मिल सकता हो? हाँ मैं क्लास कैप्टन भी थी स्कूल में कई क्लासेस में और मैं क्लास 11 में स्कूल कैप्टन थी, तो हाँ लीडरशिप का तो काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलता है कि अगर आप एक जगह ऐसा परफॉर्मेंस दे चुके हैं तो कॉन्फिडेंस आप में रहता है कि आप लीडरशिप हर जगह कैरी करें, तो हाँ ऐसा तो हाँ। तो एक अच्छा प्रशासक होने जा रहे हैं हमारे समाज के लिए या हमारे देश के लिए कहें तो। और मैडम जैसे कि आपने दो दो CGPSC एग्ज़ाम आपने क्वालिफाइड किया, दो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2019 और 2020 आपने इस कठिन से कठिन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की, क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था 2019 का? नहीं सर, मैंने 2018 में लिया था पहले, अनफॉर्चुनेटली तो मेरा नहीं क्लियर हुआ था, 2019 2020 दोनों का फाइनल्स पूरा क्लियर हुआ, क्योंकि
टाइमिंग में ज्यादा डिफरेंस देखा, एक साल का तो डिले हो गया था 19 वाले एग्जाम में, तो 19 का फिल्म्स मेंस, उसके बाद 20 का भी फिल्म्स मेंस से इंटरव्यू देना, वो साथ में देने का मौका मिला। मैं ग्रेटफुल हूँ कि दोनों बार मेरा सिलेक्शन हुआ। और सबसे अच्छी बात ये कि 2019 का रिजल्ट था उसमें 100th रैंक मिली थी मुझे। उसके बाद जो चाहिए था, जो ड्रीम था 2020 में मुझे मिल गया, एंड आई एम सैटिस्फाइड, ग्रेटफुल। जैसे कि मैडम आपने कहा 2018 में आपने प्रीलिम्स पास नहीं किए, तो क्या जब आपने प्रीलिम्स पास नहीं किए तो उस समय आपके मन में क्या रहा होगा, क्या आपने कुछ गलती की है जिसकी वजह से हो गया है? क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं पहले ही असफलता में वो पीछे हो जाते हैं, तो आप में वो कौन सी पॉजिटिविटी रही जिसको आपने एक पॉजिटिव से सकारात्मक होते हुए आपने इस जो तैयारी है उसको जारी रखा, और एक एक आपने 2019 और 2020 में आपने ये सफलता प्राप्त की, तो ऐसा क्या सकारात्मक या पॉजिटिव आपको थिंकिंग था, या क्या ऐसा सिचुएशन था जिसकी वजह से आप जो पॉजिटिविटी थिंकिंग है उसको बनाए रखें? जो 18th में जो मेरे फिल्म से निकला वो मेरे लिए बहुत बड़ा हादसा, मैं बोलूँ मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि उस साल मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी और मेरा फिल्म हुआ नहीं था। फिर जब मैंने एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों, तो मुझे पता चला कि हाँ एक्चुअली मैं ही लैक कर रही थी कई जगहों पे। मैंने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस नहीं किया था, टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, कॉम्पिटिशन क्या है उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं थी। और क्योंकि स्टार्टिंग ही था वैसे, स्टार्टिंग कॉलेज के बोल दिया से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी पीएससी के लिए। फिर भी जो फाइनल एक माहौल था, मुझे लगा कि मैं उस साल उस कॉम्पिटिशन में एनालिसिस करने में शायद एक लैक कर रही थी, इसलिए नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जो भी मेरी कमियाँ थी बोलना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डीपली पढ़ना और फिर टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, तो उन सारी चीज़ों पर मैंने काम किया। और फिल्म से मुझे डर लगता ही था, फिल्म सबसे टफ से मुझे लगा पूरे सीजीपीएससी में, तो मैंने उस पर बहुत फोकस किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और प्रैक्टिस किए, टेस्ट सीरीज दिया था मैंने 2-3-4 जगह का, घर पर पेपर प्रैक्टिस करना और टाइमली वो सॉल्व करके देखना कि मेरा परफॉर्मेंस क्या है टेस्ट में, ताकि मैं फाइनल डे पर अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। ये सारी चीज़ें थी मैंने जो मतलब जो मेरी कमी थी वो मैंने ओवर कर लिया। मैडम जैसे कि हम जब से जीपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनमें 3 स्टेज रहता है, जैसे कि प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। तो आप हमारे जो साथी है या हमारे जो विद्यार्थी हैं वो किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनको प्रीलिम्स पर, मेंस पर, इंटरव्यू पर, आपको क्या लगता है? एक्चुअली जो जीपीएससी का एग्जाम है वो बैलेंसिंग का गेम है, आप किसी प्रीलिम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करके और मेंस पे कम फोकस करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिल्म्स इज क्वालिफाइंग, आपको क्वालिफाई करना है मेल्स के लिए, तो फिल्म और ऐसा नहीं कि आप फिल्म्स कम पढ़ के क्वालिफाई कर लेंगे, वो बैलेंसिंग है। अगर जो आप चीज फिल्म से पढ़ रहे हैं अल्टीमेटली थोड़ा डिटेल में जाकर आपको वो मेल्स में पढ़ना है, तो वो एक बैलेंस बनाना। इंटरव्यू थोड़ा अलग स्टेज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो पर्सनैलिटी होती है उसके बाद में पढ़ते हैं, तो वो एक फेज आएगा। जो यूजुअल ग्रोथ होता है पर्सनैलिटी का वो एग्जाम के टाइम जो होता है 2-3 साल जो लोग पढ़ते हैं काफ़ी कुछ आ जाता है, तो इंटरव्यू की तैयारी वो अपने आप होते रहती है, उनको समझ में नहीं आता। तो जो मेंस के बाद जो समय है वो ठीक है इंटरव्यू के लिए, लेकिन उसके पहले का जो प्रीलिम्स और मेंस का टाइम है वो बहुत बैलेंसिंग का गेम है कि आप प्रीलिम्स पढ़िए साथ साथ मेंस सब पढ़ते रहिए, तो आप बैलेंस करके चलिए। आप किसी को वेटेज ज़्यादा है कम नहीं दे सकते, क्योंकि सबका वैल्यू जो बराबर है, अगर प्रीलिम्स आपका नहीं निकलता है तो आप मेंस दे नहीं पाएंगे। और प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा नंबर ला के आप लेके आते हैं, जैसे 200 का पेपर हो रहा है आप 165-170 स्कोर कर रहे हैं और मेंस में आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे, तो वो किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि मेरिट लिस्ट तो मेंस से बनना है, तो वो बैलेंसिंग का है। आपकी स्ट्रेटजी क्या रही इस तैयारी में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में, और आपका बुक लिस्ट क्या रहा होगा? क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डिमांड रहता है कि जो सेलेक्टेड है उनके द्वारा क्या स्ट्रेटजी रही और उनका बुक लिस्ट क्या रहा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज मैडम आप बताइए कि आपका स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट होंगे तो आप क्या हमारे जो स्टूडेंट है या जो अभी जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स दिलाने वाले हैं उनके लिए ये सब हेल्पफुल हो सके? स्ट्रेटजी मेरी बहुत सिंपल थी, जैसे कि लोग बोलते हैं कि आप 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ें, यही मेरा स्ट्रैटेजी था। मैंने बहुत सारे बुक्स में पास नहीं थे, बहुत सिंपल बुक्स थे, बुक लिस्ट ऐसा है कि प्रतियोगिता सारांश की जो बुक आती है मैक्सिमम मैंने सारे मेल्स के लिए और प्रीलिम्स के लिए वही यूज़ किया है।
लैंग्वेज के लिए, जो तो हिंदी के लिए फेमस है मीरा पाठक सर की बुक आ गई है, छत्तीसगढ़ी के लिए भी मीरा पाठक सर की बुक है, इंग्लिश के लिए मेरे पास स्टडी की नोट्स थी, और साथ साथ दिल्ली में ऐसा जो क्लास नोट्स था वो मैंने किसी फ्रेंड से लिया था, तो फिर उससे मैंने पढ़ा था, और पेपर 7 क्योंकि वो मैंने इंग्लिश में दिया था, तो उसके लिए भी जो मेन सोर्स था वो मेरे पास दिल्ली में ऐसा जो मटेरियल होता वो था, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं लगभग मैंने पूरी प्रतियोगिता समाज से की है। मैडम यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों का क्वेश्चन रहता है कि जैसे कि हम मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, 7 पेपर होता है, उस 7 पेपर में से किसी एक पेपर को हम हिंदी में और दूसरे पेपर को इंग्लिश में दे सकते हैं क्या, जैसे कि आपने कहा? हाँ बिल्कुल, मैंने पेपर 4 पेपर 7 इन्होंने इंग्लिश में दिया है, बाकी पेपर मैंने हिंदी में दिए जी। फरवरी में CGPSC प्रीलिम्स का एग्जाम होने जा रहा है, मैडम हमारे विद्यार्थियों को सजेस्ट कीजिए कि हमें CGPSC प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा चुनौती तो यही है, प्रीलिम्स होगा तभी मेंस होगा और मेंस होगा तभी इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स की जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि मैंने थ्योरी पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, जैसे कि मैंने बताया 2018 में मेरा प्रीलिम्स हुआ नहीं था, उसके पीछे जो बेसिक रीजन था वो यही था कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, और अभी तो ऐसा है कि लोगों, हाँ एक चीज इसमें ये भी है जैसे प्रीलिम्स का टेस्ट हम दे रहे हैं तो फिर ऐसा होता है कि हमने टेस्ट दिया उसके बाद एक बार रिवीजन किया फिर ऐसा लगता है कि ठीक है वो तो गया, एक पेपर है तो हो गया, उसका रिवीजन हम अच्छे से करते नहीं है, मैंने ये नहीं किया था, मेरा ऐसा था कि जो जैसे कि जैसे 13 फरवरी की सारे एग्जाम है तो मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि मैं जनवरी लास्ट तक जितने भी टेस्ट पेपर मैंने दिए हैं वो मैं पूरी रिवाइज कर लूँ, मतलब जो चीज़ें आती हैं वो तो आती हैं, जो चीज़ें नहीं आती हैं वो मैं याद कर लूँ, मतलब वो रटना ही है कि टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन लिखा वो गलत नहीं होना चाहिए, कॉमन मिस्टेक जो करेगा वो कॉम्पिटिशन से बाहर है मुझे ऐसा लगता है, 2018 में मेरे साथ यही हुआ था, तो चीज़ें यही है कि आप जो कॉमन कॉमन चीज़ें हैं रिवाइज करिए, पढ़िए, रिवाइज करिए, पेपर प्रैक्टिस करिए, ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से मुझे लगता है 2-3-4 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं छोड़ने चाहिए, वो आप एक टेस्ट पेपर के रूप में दीजिए, हार्डली मुझे लगता है कि 1 घंटे समय लगेंगे अगर हम 1 हफ्ता टाइम लेके चले, और उस 1 हफ्ते में पूरे 7 दिन पिछले 10 से 12 साल के पेपर अवेलेबल हैं, एक दिन में अगर 2 पेपर कर ले टेस्ट की तरह तो वो 2 घंटे में हदीम होता जाएगा, तो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर्स जो अभी टेस्ट चल रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट के वो थ्योरी तो है कि वो रिवाइज करना है, और बाकी जो टेस्ट पेपर दिया है उसका रिविजन बार बार रिविजन, तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। थैंक यू मैम। इसमें मैम प्रीलिम्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है हमारा मेंस का, तो सबसे जो प्रमुख अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो उनमें सबसे प्रमुख जो योगदान है वो मेंस का ही होता है, तो मेंस का तैयारी हमें कैसे करना चाहिए? मेंस की तैयारी देखिए अलग से नहीं होती है, ऐसा प्रीलिम्स के साथ ही स्टार्ट हो जाता है, सब्जेक्ट ऑलमोस्ट वही है, बस थोड़ी डिटेलिंग है, पेपर 7 में वो डिवाइड कर दिया गया, जो प्रीलिम्स जितने सिलेबस है वो डिवाइड कर दिया गया पेपर वाइज, तो वो प्रीलिम्स से चालू हो जाती है, और फिर बाकी जो प्रीलिम्स के बाद का जो समय होता है उसमें पेपर वाइज आपको अपना प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। हाँ पेपर वाइज वेटेज का एनालिसिस बहुत जरूरी है, जैसे पेपर 1 लैंग्वेज है, लैंग्वेज लोग पढ़ते नहीं है, जबकि अभी मैरिट लिस्ट आप काट देखेंगे पिछले 2-3 साल का तो आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेज का वेटेज सबसे ज्यादा है सिलेक्शन, जिसके मार्क्स लैंग्वेज में आ रहे हैं वो आपको मैरिट लिस्ट पर दिख जाएंगे, तो लैंग्वेज को इग्नोर ना करके लैंग्वेज को बार बार पढ़ के अपने नंबर मैक्सिमाइज करके जो मैक्सिमाइज करने का ट्रिक है वो देखो आप, और लैंग्वेज में एक नंबर ले जाओ, वैसे पेपर 4 साइंस और मैथ्स पेपर 4 में, पेपर 6 कई के लोगों को ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो पेपर 2 ऐसे ना सेलेक्टेड जो सब्जेक्ट्स हैं जो पेपर्स हैं उनको पिक करके उनको बहुत ज़्यादा पढ़िए, जैसे पेपर 3 मैं बताना चाहूँगी, पेपर 3 इज वेरी लेंथी और सबसे बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं पर प्रीलिम्स में जो पढ़ते हैं हिस्ट्री और पॉलिटिक्स ये सब ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें मार्क्स बहुत एवरेज मिलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज ना दें, मुझे खुद 2019 में सिर्फ मुझे 100 नंबर और 20 में 99.5 मार्क्स मिले हैं, और हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स के टाइम से ही देते आते हैं, तो मुझे लगता है मेंस को थोड़ा स्किप करना चाहिए पढ़ना, क्योंकि एवरेज मार्क्स स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ के भी बहुत स्कोर होता नहीं है इस पेपर में, तो बैलेंसिंग अगेन बैलेंसिंग का ही गेम है कि आप कैसे करके आ रहे हैं, पेपर वाइज आपका जो टाइम
मैडम जैसे कि ये लगातार 4 दिनों तक चलता है एग्जाम, तो इस दौरान क्या आप कैसे मैनेज कर रहे हैं रिवीजन करना, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होता है, रिवीजन नहीं हो पाता है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप चीज़ों को? क्या आपने साइड बॉक्स बना कर रखे थे या ऐसा कोई ट्रिक था आपके पास जो एग्जाम से पहले तुरंत रिवीजन हो सके एक आध घंटे में? वैसी चीजों का जो मुझे लास्ट में देखना ही है, मतलब जिसकी जरूरत मुझे पड़ेगी देखने के लिए, ऐसे पेपर वाइज लगभग सबके शॉर्ट नोट्स थे मेरे पास। जैसे पेपर 7 के लिए मैंने बना के रखा था, 7-8 पेज का नोट्स होगा वो मेरे पास, तो ऐसे पेपर वाइज मैंने सबका बना लिया था। वो रिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अगेन पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कौन कैसा नोट्स बनाता है। मेरे लिए यही था कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो मेरे लिए काम हेल्पफुल था, वो काम आया मेरे। जैसे कि मैडम आपका जो रिजल्ट रहा है 2019 में 2020 में डायरेक्ट 16 रैंक, तो इतना बड़ा जो डायरेक्ट आपने एक छलांग लगाया, तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी रही होगी आपकी? स्ट्रेटजी तो हाँ, देखिए जैसे मार्च में 2019 का मेंस हुआ था, जुलाई में 2020 का मेंस हुआ था, तो समय तो कम ही था, लेकिन मुझे ऐसा था कि जो मैंने मार्च का मेंस दिया उसके बाद मुझे अपना पूरा एनालिसिस था कि मैंने कहाँ पे गलत किया है, क्या गलत किया है, मुझे क्या सुधारना है। थैंकफुल थी कि मुझे तुरंत मौका मिला कि मैं सुधार पाऊँ। जैसे कि 2019 वाले में पेपर 4 मेरा काफ़ी ख़राब हुआ था, मैथ्स मेरे लगभग 20 मार्क्स से छूट गए थे, तो ये मेरे लिए हार्ट अटैक था। और मैंने मैथ्स बहुत प्रैक्टिस किया, जो पिछले लॉकडाउन में लग गया था, तो उस टाइम मैंने मैथ्स प्रैक्टिस किया। मेरे को यही बस था कि पेपर 4 मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए 2020 में। ऐसा हुआ पेपर 6 में मेरा थोड़ा बिगड़ा था 2019 में, उसमें मेरे को कम नंबर मिले थे, तो जिस जिस सब्जेक्ट में मुझे कम नंबर मिले थे मैंने वो सारे पे फोकस किया और मुझे काफी अच्छा कर गया और रिजल्ट मुझे मिल गया। जी मैडम, जैसे कि 2019 और 2020 की अगर हम बात करते हैं तो आपका इंटरव्यू की ओर चलते हैं, तो इंटरव्यू में जो मार्क्स है 19 में कम है कि ज्यादा है, कि 20 में कम है कि ज्यादा है? 19 में एक्चुअली मुझे 90 मार्क्स मिले हैं और 20 में मेरे थोड़े कम है, 75 मिला था मुझे, लेकिन 75 मिलने के बाद मैं ड्यूटी ड्यूटी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर अपने
बच्चों की तैयारी करवा सकते हैं। थैंक यू। वेलकम।